नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बारिश को लेकर। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज को देख लें तो मौसम शुष्क रहा। वहीं प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान जो है अररिया जिला का रहा। यहाँ का तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अगर हम प्रदेश के तापमान की बात कर ले तो 5 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। पटना मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम के जानकारों की माने तो समुद्र तल के सतह से 1.5 किलोमीटर तक शुष्क पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है। इस हवा के प्रभाव के फलस्वरूप यानी कि इसके कारण जो है अगले 48 घंटे तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राज्य भर के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पश्चिमी हवाओं के कारण पश्चिमी बिहार और बिहार के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह संभावना जताई गई है कि कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। बिहार के पश्चिमी हिस्से में सुबह के समय घना एवं मध्यम स्तर का कोहरा रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते नमी युक्त हवाओं के बहने की संभावना जताई गई है। नमी युक्त हवाओं के कारण ही तापमान में भी गिरावट की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में 3 फरवरी को पटना समेत 30 जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। साथ साथ कहा गया है कि 4 फरवरी को जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा के आसार हैं। इसको देखते हुए पटना मौसम विभाग ने इन जगहों को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले भी अगर हम देख लें तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसके कारण जो है एक तो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ ही है। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ था कि कोरोना के दौर में 2 अहम चीज़ें सामने आई, एक तो ठंड और दूसरा कोरोना। अब जो है एक बार फिर से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद से जो है बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसको लेकर जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।